हेलो एवरीवन, तो ये वीडियो भी अपडेट के साथ होने वाला है। लगभग एक साल का अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। गाइस प्लीज, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपडेट्स के साथ वीडियो लाना कोई आसान बात नहीं होती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अपडेट और रिजल्ट के साथ लेकर आऊँ, ताकि आपको भी पता रहे कि कब आपके प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होगी। तो आज का जो वीडियो है वो इस पे रिलेटेड है कि क्या हमें सीड्स जो है हरसिंगार के प्लांट पे रहने देने चाहिए या फिर तोड़ देने चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी चल रहा है अक्टूबर 2022, सीड्स बनने लग गए हैं, फूल आ रहे हैं। तो हरसिंगार के अंदर फूलना आपको जब मौसम में ठंडक होने लग जाती है हल्की सी बारिशों के बाद में, स्पेशली जब टेम्परेचर जो है 15-30 डिग्री रहता है, तब आपको इसमें फूल कलियां नजर आएंगी। ज्यादा तेज की धूप जो मई जून के टाइम पे होती है उससे आपको इसे बचाना है, साथ ही जब विंटर्स के टाइम पे जो फॉग होती है उससे भी आपको बचाना है। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप अपने प्लांट्स को ना एक साथ रखे, बीच में रखे, तो टेम्परेचर जो है उनका थोड़ा मेंटेन रहता है और ज्यादा इन्वायरमेंट जो है बाहर का समर और जो विंटर के टाइम पे ज्यादा उन पे इफेक्ट पड़ता है वो कम रहता है। तो अब चल रहा है नवंबर का टाइम, सारे फूल जो है वो आके चले गए हैं। आपको अगर इस पे दोबारा से फ्लावरिंग चाहिए ना, तो जब भी इसमें आप सीड्स देख रहे हैं तो आप उसको हटा दें। सीड्स तोड़ने का ये बेनिफिट होता है कि आपको दिसंबर तक भी ना फ्लावरिंग इसमें मिलती रहती है। नहीं तोड़ते तो फिर आपको फूल नहीं मिलेंगे, और जो सीड्स होते हैं नवंबर दिसंबर में ग्रीन रहते हैं। जब इसमें फूल आ रहे होते हैं ना, तब इसमें कोई पेस्ट अटैक नहीं था मेरे प्लांट पर। वैसे तो मैं इस पे जो है ना पानी की और जो लिक्विड फर्टिलाइजर रहता है ना उसकी बौछार करके देती रहती हूँ, तो इसलिए नहीं था। और अब जो ये प्लांट है ना, सारे पत्तियां इसकी ठंड में झड़ जाती हैं, और सीड्स जब होते हैं तब इसमें व्हाइट मिली बग्स का अटैक होता है, बट वो कुछ इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, वो टाइम के साथ अपने आप चला जाता है अगर आप पानी वगैरह डालते हैं ऊपर से। वैसे तो ठंड में आपको ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले से ही इतना फॉग वगैरह गिर जाता है तो मिट्टी जो है नमी से रहती है। तो अब आप ये थिकनेस देखिए सीड्स की, तो मतलब अच्छे सीड्स जो है इसमें बन रहे हैं मेरे प्लांट में। मैंने कोई से भी सीड बंच जो है नहीं निकाला है, सारे ही रहने दिए। हर एक ब्रांच में सीड पॉट बने हैं बंचेस में। ये वाला बीज देखिए थोड़ा थिकनेस में अच्छा था, तो मैंने इसको ओपन किया है। इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जो सीड है वो बना है, और इससे आप आराम से जो है पौधा बना सकते हैं। यही जनवरी फरवरी में जो है आप लगा दें इसको मिट्टी में, और अच्छी अगर इसको धूप पानी खाद मिलता है तो ये आपको सेम सीजन में ही, सेम ईयर में ही जो है फूल देने लग जाता है। तो बेस्ट टाइम रहता है अपने पास इसको ऐड करना फरवरी और मार्च का टाइम, ताकि आपको आने वाले टाइम पे आराम से फ्लावरिंग मिल जाए। और इन सीड्स को अगर आप नहीं तोड़ते हैं ना, तो अच्छे से पक जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे, खुद ही बिखर जाते हैं। जैसे कि मेरे जो सीड्स हैं ना, हर पौधे में गिर गए हैं और ये उगने लग गए हैं। तो मार्च अप्रैल के टाइम पे जो है इसके सीड्स टोटली पूरे ब्राउन हो जाते हैं, पक जाते हैं, और जहाँ भी गिरते हैं वहाँ से प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है मार्च अप्रैल के टाइम पे ही। और ये सीड्स देखिए मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं जो नीचे गिर गए थे, और जो बाकी मैंने झाड़ू लगाई थी तो इसमें भी काफ़ी सारे सीड्स हैं। तो इसको मैंने लेके सारा जो है कंपोस्ट बिन में डाल दिया, फेंकती नहीं हूँ मैं कुछ भी, जो लकड़ी पत्ती कुछ भी रहती है उसे खाद बनने के लिए डाल देती हूँ। तो जिस भी गमले में इसका बेबी प्लांट ग्रो हुआ है ना, तो मैंने उसको निकाल के नहीं फेंका, जिसको चाहिए था मैंने उसको दे दिया है। और बस अब ये बाकी जो है ये दो बचे, इनको भी मैं किसी को दे दूंगी। फेंकने का ऐसा मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी, क्यों उसका जीवन खत्म करना, यूज हो जाएगा, नेचर के ही काम आता है सब। और वैसे भी ये पौधा जो है लकी होता है, शुभ होता है अपने पास रखना, और काफी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसमें। एक आयुर्वेदिक पौधा है ये, जड़ तना सब इसका काम आता है। इसका फूल जो है वो एक ही दिन का होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, सुबह जो है बिखर जाते हैं। और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसके अंदर मेरा ये 5 फीट का जो पौधा था मैंने 12 इंच के गमले से निकाल के रिपोर्टिंग वगैरह करी, उसमें केयरिंग वगैरह सब मैंने अपडेट के साथ बताया, तो आप जरूर देख। वीडियो जो है आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। गमले के अंदर जो बीज बनाते हैं हम, वो सारे बीज अगर आपको पौधा बन के दें ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो गमले के अंदर लगे हुए पौधे में बीज बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के उतने नहीं रहते हैं। कुछ ही जो बीज होते हैं वो अच्छे होते हैं ग्रो करने के लिए। तो अगर आपको सीड्स चाहिए भी ना ग्रो करने के लिए, तो आप कोशिश करें कि एक दो बंचेस का ही सीड्स उसमें रखें, बाकी जितने भी पौधे में लगे हुए हैं बीज उनको हटा दें, ताकि बेकार में ही वहाँ ताकत ना जाए। केवल जो पौधा है अपनी एनर्जी उन सीड्स पे फोकस करें, ताकि वो अच्छे बने, अच्छी क्वालिटी के हों। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब किसी और वीडियो में प्लांट के अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।